दायर की गई है और याचिका में करीब 9 याचिकाकर्ताओं ने व्यापक पैमाने पर हिंसा की जांच की मांग के साथ ही 20,000 पीड़ितों के लिए उपयुक्त पुनर्वास सहित अस्थायी निवास की व्यवस्था की मांग की है। जीएस सिंघवी और वी गोपाल गौड़ा की पीठ ने सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ने कहा कि सरकारी लापरवाही के चलते इंसानों की जान नहीं जानी चाहिए। ये याचिका पीड़ितों के गुस्से का प्रतीक है और पीड़ितों के बीच जाति, पंथ या रंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि हिंसा में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और कितने ही लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि इस वक्त आपको बताएं कि धीरे धीरे जो माहौल है मुजफ्फरनगर का, वहां माहौल सुधर रहा है, माहौल में सौहार्द है और तमाम लोग यही चाहते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, कि धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाएं, अमन भाईचारे से जैसे लंबे समय से लोग रहते चले आ रहे थे, फिर से एक बार उसी पटरी पर मुजफ्फरनगर की जिंदगी वापस लौट रही है। और मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक हिंसा को लेकर ही आजम खान नाराज बताए जा रहे थे। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने इस मसले पर सफाई दी है। कहना है कि कोई भी मतभेद पार्टी के अंदर नहीं है, आजम खान समाजवादी पार्टी से गुस्सा नहीं हो सकते, यानी कि उनसे गुस्सा नहीं हो सकते। मुलायम सिंह यादव का इस वक्त का बयान हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा के बाद जो बैठक हो रही है, कार्यकारिणी की बैठक, उसमें आजम खान नहीं पहुंचे थे और इसे जोड़कर देखा जा रहा था मुजफ्फरनगर की हिंसा से। ये समझा जा रहा था कि आजम खान अखिलेश सरकार की नीतियों से, देर से लिए गए फैसलों से नाराज हैं और यही वजह है कि वो नहीं पहुंचे इस मीटिंग में। हालांकि इस वक्त मुलायम सिंह यादव ने इस तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है और कहा है कि आजम खान नाराज हो ही नहीं सकते। ये भी कहा है कि पार्टी में किसी ने आजम खान का इस्तीफा नहीं मांगा। अभी कुछ देर पहले हमने आपको सुनवाया था कि रामगोपाल यादव ने कह दिया था कि अगर इस तरीके से बैठकों में हिस्सा नहीं लेना तो इस्तीफा दे दे आजम खान। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव इन तमाम बातों से इनकार कर रहे हैं, उन्होंने सफाई दी है और ये भी कहा है साथ ही कि दंगे के जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और हालांकि सियासत इस पूरे मसले पर तेज है, लेकिन मुजफ्फरनगर में जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, यही चाहते हैं इस वक्त कि धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटे, धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाए। मुजफ्फरनगर में क्या कुछ स्थिति है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वहां के लोग, कर्फ्यू 3 थाना क्षेत्रों में लगाई गई थी, उसके बाद वहां पर क्या माहौल है वहां के गाँव में, वहां के शहरों में, हमारे संवाददाता कुंवर अभिषेक आज पूरे दिन वहां पर मौजूद हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हम सीधे कुंवर अभिषेक के पास चलेंगे। कुंवर, वहां पर क्या स्थिति है, क्या लोग फिर से एक बार सामान्य हो रहे हैं, क्या स्थितियां सुधर रही हैं? बिल्कुल सुब्रा, स्थितियां एकदम सामान्य की तरफ मैं कह रहा हूँ जा नहीं रही हैं बल्कि दौड़ रही हैं। अगर मुझे मुजफ्फरनगर सिटी की बात की जाए, अमनो चैन कायम है और जिस समय से कर्फ्यू में ढील दी गई, आज सुबह 10 बजे से 5 बजे तक की ये ढील है और हो सकता है कि प्रशासन इसको थोड़ा और बढ़ाए। लेकिन मैं आपको एक बात साफ बता दूँ कि जगह जगह जहाँ पूरे मुजफ्फरनगर सिटी का हमने जब जायजा लिया तो अमनो चैन नजर आया। आम जनता जो है वो दंगा नहीं चाहती, ये भी बात साफ हमें नजर आई और सभी समुदाय के, चाहे उसमें मुस्लिम भाई हों चाहे उसमें हिंदू भाई हों, जगह जगह टोलियां बनाकर खड़े थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और एक बात जरूर साझा वो कर रहे थे और वो ये बात ये थी कि शासन और प्रशासन को हर जगह थू-थू हो रही है। देर से लिए गए डिसीजन, समय पर ना लिए गए डिसीजन और जो इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की जो कवायद थी, जिस तरीके से धारा 144 के बाद भी पंचायतें, महापंचायतें और तमाम तरह की रैलियां निकाली जा रही थी और डीएम, सबसे बड़ा जो गुस्सा है वो तब उभरा है जब डीएम और कप्तान जैसे बड़े अधिकारी मौके पर जाते हैं ज्ञापन लेने धारा 144 के लागू होने के बावजूद भी। तो ये भी एक गुस्से का विषय लोगों में है। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, सुदर्शन न्यूज अपील करता है लोगों से शांति और अमन चैन बनाए रखने की और जिन भी लोगों से हमारी तमाम यहाँ बात हुई, जिंदगी पटरी पर लौट रही है, मोहब्बत नगर में मोहब्बत वाकई अब देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो आपसी जो अंदरूनी इलाके मुजफ्फरनगर जिले के, मुजफ्फरनगर मंडल के, जिसमें जो गाँव है जहाँ सबसे ज्यादा हिंसा भड़की थी, वहाँ हालात अभी सामान्य नहीं है, वहाँ कुछ समय और लगेगा लेकिन पहल कर दी गई है। जिन भी गाँव में हम गए, जो भी चाहे झोला हो चाहे कवाल गाँव हो, जिन जिन गाँव में गए, हम टेंशन जरूर है
पुलिस पार्टियां वहां हैं, आर्मी डिप्लॉय की गई है, लेकिन अभी शुरुआत कर दी गई है दोनों वर्गों की तरफ से, आपस में बातचीत की जा रही है। और ये अच्छा संकेत है और उम्मीद यही कर सकते हैं कि धीरे धीरे जो स्थितियां सुधर रही हैं पटरी पर लौट आए, और वहां के जो आम लोग हैं ये पहले भी यही चाहते थे कि अमन वहां पर कायम हो, आज भी यही चाहते हैं। कुंवर, हम आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, थोड़े से ब्रेक का वक्त है, फौरन वापस लौटते हैं। तो सियासत कर रहे हुक्मरान चाहे जो भी कोशिश कर लें, वोट बैंक की राजनीति के लिए चाहे लोगों के दिलों में कितनी भी नफरत पैदा करने की कोशिश कर ली जाए, लेकिन जाहिर है कि जो आम लोग हैं, जो आवाम है, वो यही चाहती है कि अमन चैन कायम रहे। और जाहिर है कि मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद वहां पर आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं तमाम जगहों पर कि जिंदगी फिर से एक बार पटरी पर लौट आए। अच्छी खबर ये, हमने अभी अभी अपने संवाददाता से बात की, उनका कहना है कि जल्दी से अब सब कुछ सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। कुंवर की तरफ हम एक बार फिर से रुख करेंगे। कुंवर, और क्या कुछ वहां पर माहौल है, जो पुलिस तैनात की गई थी क्या अभी भी वहां पर है, और अगर कोई स्थिति बिगड़ती है उस पर काबू पाने के लिए पूरी तैयारी है वहां पर? पूरी तैयारियां यहाँ मौजूद हैं, कई जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं उसके कई अलग से टुकड़ियां यहाँ पे डिप्लॉय की गई हैं, मंगाई गई हैं, आर्मी भी कुछ तादाद में कुछ ज़्यादा यहाँ पे मंगाई गई है ताकि स्थितियाँ सामान्य रहें। हालांकि उनको अभी स्टैंड बाई पर रखा है, कहीं कहीं जगह जो आसपास के जो गाँव हैं, इलाके हैं, उनमें फ्लैग मार्च जारी है। जिस तरीके से कल की अगर मैं घटना बताऊँ शुभदा, तो बागपत बड़ोद का जो इलाका है, किठल एक गाँव में काफ़ी नामी गाँव माना जाता है पहले से ही, उस गांव में कुछ छुटपुट घटनाएं हुई थी, वहां से AK-47 के कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए जिसकी छानबीन पुलिस पूरी तरीके से कर रही है। और एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से ऐसे ऑटोमेटिक हथियारों के जब यहां पे जो गोलियां होती हैं, जो कार्टेजेस होते हैं, वो बरामद होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऑटोमेटिक हथियार भी यहाँ हो सकते हैं। और जब हमारे ADG लॉ एंड ऑर्डर से बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि अभी लगभग 40 से ज़्यादा कार्टेजेस ऑटोमेटिक वेपन्स के यहाँ से बरामद किए गए हैं बड़ोद बागपत किठल जो पूरा जो इलाका यहाँ से सर्च ऑपरेशन में, और इस बात से कोई इनकार उन्होंने भी नहीं किया इस आशंका से, वो भी उन्होंने जताई कि ऑटोमेटिक हथियार भी हो सकते हैं, AK-47 और कार्बाइन जैसे हथियार भी हो सकते हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। छोटी छोटी जगह जहां भी लोगों को जो इंटेलिजेंस पुलिस के द्वारा लगाया गया, प्रशासन द्वारा लगाया गया, जहां से भी सूचना मिलती है वहां तुरंत कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल अच्छी बात है ये कि लगातार पुलिस वहां पर मुस्तैद है, और हालात अगर बिगड़ते हैं तो उस पर कैसे काबू किया जाए इस बात को लेकर चौकन्ना भी है पुलिस, क्योंकि पहले भी यही कहा जा रहा था कि अगर शुरुआत में ही पुलिस वहां की चौकन्ना हो जाती, प्रशासन चौकन्ना हो जाता, तो शायद इतने लोगों को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुंवर, इस पूरी जानकारी के लिए। आपने अपनी निगाहें मुजफ्फरनगर की स्थिति पर बनाकर रखिए। इस वक्त आपको बताएं कि कुंवर अभिषेक ने ही कुछ देर पहले वहां के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की वहां के हालात। सुनिए, जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक हिंसा से झुलस रहा है, तमाम गांवों में और शहरों में आग लगी, ऐसे में हम इस वक्त गोयला गांव है, जिस गांव के लोगों ने एक मिसाल पेश की है आपसी भाईचारे की, आपसी जो आपस में जो कई सालों से कई वर्षों से पीढ़ियां रहती आई हैं, उनको समझाया है, उनसे बात की है, और अल्पसंख्यकों को यहाँ रोकने में बड़ा उन्होंने कदम उठाया है। अभी तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं देख सकते हैं, देखने में किसान लगेंगे, और किसी भी धर्म विशेष की बात अगर आप करें तो नहीं पहचान पाएंगे कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम। एक प्यार की भावना इस गाँव में देखने को जरूर मिली, और ये वाकई पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी बात है। ऐसे माहौल में जब चारों तरफ हिंसा भड़क रही हो, ये एक बड़ा धार्मिक उन्माद यहाँ लोगों ने जो दिखाया, धार्मिक भावना दिखाई, आई इनसे बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले, क्या नाम है आपका? वीर सिंह जी। जिस तरीके से यहाँ जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको रोका गया, क्या भावना रही मन में? मन में सही भावना रही थी, मगर ना जाने दो, गांव में ठीक ठाक रहे हम भी, ये कोई लड़ाई वाली बात कोई है नहीं। तो आपस जिस तरीके से जो दंगा आसपास फैला है उसमें कुछ लोग घबराए थे, वो गांव छोड़ के जाना चाहते थे, उनको रोका गया, ये काफी बड़ा काम किया गया, तो क्या सोच कर रोका गया? जाने नहीं दिया जी, अपने आप यहाँ से रहे, जो खुशी से रह रहे जी वे भी हैं, हमारे इनके गले एक बात है, दोनों की चलती रहेगी यही, पहलते भी नहीं रहते आए जी, भी नहीं रहते आगे भी। देखिए इस तरह की जब बात आती है तो वाकई एक संदेश पूरे प्रदेश में जाता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो काफी सेंसिटिव ये एरिया माना जाता है, लेकिन जो प्यार की बात यहाँ बह रही है वाकई समझना होगा लोगों को, क्योंकि ये गलत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम आपका? इकबाल है। इकबाल जी, जिस तरीके से पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश एक सांप्रदायिक हिंसा में जला, क्या यहाँ इस गांव में आपको किसी तरह का भय या डर लगा शुरुआत? नहीं, कोई डर नहीं, अच्छा जी, ना कोई किसी बात की परेशानी, उन्होंने जो लोग यहाँ से पहुँच भी गए उनको भी रोकने को कोशिश, हाथ जोड़े पैर भी पकड़े उनका, अगर टोपी रखी, लेकिन जब डर की वजह नहीं मानने तो उन्होंने कह दिया कि जाओ, क्या कर सकते हैं, अच्छी हम भी यहीं रह रहे इनके पास में, हमें तो किसी बात की परेशानी नहीं रही, बोल मारी ये तंदे ही रख रहे हैं, रात को पहरा भी लगा रहे हैं, बैठे भी रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं, भाई डर दे सत परेशानी, किसी बात की दिक्कत ना मानिए,
खाने पीने के, जैसे हमारे दंगर दौर धन दौलत है सबकी निगरानी है, और घास मुट्ठी को कह दे भूस ले आओ ये काट लिया, हमारे से कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। अच्छा जी, हमारे यहाँ तो सभी से मोहब्बत प्यार से काम चल रहा है जी, मोहब्बत प्यार से काम चल रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को शायद सीख लेनी होगी इन बातों से, और जो दंगाई एलिमेंट है सरकार को समय रहते कार्रवाई भी करनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? लखन सिंह जी। लखन सिंह जी, जब गांव में इतने सालों से आप लोग सब इकट्ठा रह रहे हैं, ऐसी चीज बाहर होती है तो किस तरीके से दबाव पड़ता है, आपको लोगों को बचाने की कैसी जरूरत पड़ती है? मतलब जी सीधे तौर पर जब लोग यहाँ से छोड़कर जा रहे थे तो क्या भावना दिल में रही, उनको रोका गया? उनको रोका गया जी, यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई परेशानी है, ना खाने की ना रहने की, प्यार से रहेंगे और प्यार से आगे रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आसपास का गांव जो पूरा है वो सांप्रदायिक हिंसा में चल रहा है, हम सभी तमाम गांव से आए, कुछ गांव में जो मुस्लिम जो लोग भाई हैं वो गांव छोड़कर चले गए, ऐसा इस गांव में नहीं हुआ, क्यों? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो भाईचारा था पहले से ही बहुत मजबूत था, और अब और जाकर मजबूत हो गया है, क्योंकि हमने इनको नहीं जाने दिया ऐसी आग में, घर से बाहर कहाँ जाएंगे, या आपका घर है अगर आप यहीं सुरक्षित नहीं हो तो बाहर कहाँ सुरक्षित होंगे, इसलिए हमने इनको किसी को भी नहीं जाने दिया यहाँ से, और बिल्कुल और अमन और चैन से पूरे गांव में शांति है, कहीं कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, और हम इनको पूरी इनकी मदद कर रहे हैं, किसी चीज की कोई समस्या हो तो हम इन लोगों के साथ हैं। शायद इस तरह की अगर भावनाएं सभी लोगों में आ जाए तो मुझे लगता है कि ये जो दंगा भड़का है घंटे में शायद ये खत्म हो जाएगा। पुलिस को पहले ही अगर सूचना थी, महापंचायत की सूचना थी, तो उसको रोका क्यों नहीं गया, और अगर की गई तो पूरी सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई? ये तो तमाम जो चेहरे आप देख रहे हैं, देश का भविष्य कहा जाता है, और भविष्य जब इस तरह की धार्मिक उन्माद में या जातीय हिंसा में फैलता है तो वाकई कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होती है। कैमरामैन राहुल के साथ कुर अभिषेक, सुदर्शन न्यूज, मुजफ्फरनगर। कहते हैं दुनिया में अगर सबसे महफूज कोई जगह होती है तो वो घर होता है। इस घर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर से एक बार जिंदगी पटरी पर लौट रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। इस वक्त की ताजा खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव ने अपने ही एक विधायक को क्लीन चिट दी है। एसपी विधायक को अखिलेश यादव ने क्लीन चिट दी है। राशिद सिद्दीकी नाम के ये विधायक, जिन पर आरोप लगा था कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि राशिद सिद्दीकी ने दरअसल वो भड़काऊ भाषण दिया ही नहीं था। पूरी तरह से क्लीन चिट राशिद सिद्दीकी को दे दी गई है अखिलेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से। वो राशिद सिद्दीकी जिन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप उत्तर प्रदेश में लगा था, अब अखिलेश यादव ने साफ इनकार कर दिया है, कहा है कि सिद्दीकी ने ये भाषण नहीं दिया था, यानी कि कोई गलती सिद्दीकी की नहीं है, उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। एसपी विधायक को अखिलेश यादव की क्लीन चिट।